हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स के बीच में रावलपिंडी के रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर 10 मार्च को दोपहर के 2:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है फैन कोड पर। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो काफी कमाल की पिच है ये बल्लेबाजी करने के लिए। दोनों टीमों को मजा आएगा और जिस तरह के खिलाड़ी है ना दोनों टीम्स के अंदर, जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करना चाहेगी। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं इस्लामाबाद के बारे में। तो इस्लामाबाद की टीम ने बहुत ही कमाल खेला है अब तक, हालांकि लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, पर इन टीम 3-2-1। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ इस्लामाबाद की टीम के बारे में। तो इस्लामाबाद की जो टीम है, इसने अपने 9 में से 4 मुकाबले जीते हैं और ये मुकाबला इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर टीम को क्वालिफाई करना है तो। अगर टीम ये मुकाबला जीत गई तो पक्का क्वालिफाई कर जाएगी, और अगर टीम हारती है ना तो टीम को बाकी रिजल्ट के ऊपर रिलाय करना पड़ सकता है। हालांकि मुझे अब तक समझ नहीं आया कि ये टीम अब तक क्वालिफाई कर क्यों नहीं पाई। इस टीम में क्वालिटी है, बल्लेबाजी में कॉलिन मनरो हैं, एलेक्स हेल्स हैं, शदाब खान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आजम खान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में हैदर अली को मौका मिला तो अली ने भी काफी कमाल की बल्लेबाजी करी। गेंदबाजी में शदाब खान ऑलराउंडर, इमाद वसीम ऑलराउंडर, आगा सलमान ऑलराउंडर, फहीम अशरफ ऑलराउंडर, फिर आगे बाद नसीम शाह का ऑप्शन है, हुनैन शाह का ऑप्शन है, विदेशी तेज गेंदबाज भी काफी अच्छे हैं इस टीम के पास। तो मेरे हिसाब से इस टीम के बल्लेबाज भी अच्छे हैं, ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं, गेंदबाज भी अच्छे हैं। यह आखिरी लीग मुकाबला है इस्लामाबाद का, ये लोग पक्का से क्वालिफाई करना चाहेंगे। तो इनके लिए ओपन कर सकते हैं कॉलिन मनरो और एलेक्स हेल्स, नंबर 3 पर आगा सलमान, नंबर 4 पे शदाब खान, नंबर 5 के ऊपर आजम खान, नंबर 6 पे हैदर अली, नंबर 7 के ऊपर इमाद वसीम, फिर फहीम अशरफ, नसीम शाह, हुनैन शाह और टिमल मिल्स। तो ये टीम होगी इस मुकाबले में इस्लामाबाद की और ये लोग क्वालिफाई करना चाहेंगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ मुल्तान सुल्तान्स के बारे में, जिन्होंने अपने 8 में से 6 मुकाबले जीते हैं और ये टीम क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ्स के लिए। और ये बात भी ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है ना कि ये लोग टॉप 2 के अंदर फिनिश करेंगे। इस वजह से इनको मौके भी ज्यादा मिलने वाले हैं क्वालिफाई करने के फाइनल के लिए। मोहम्मद रिजवान ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी, इस टीम के कप्तान है, वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। फिर जब मौका मिला है तो तैयब ताहिर ने भी रन मारे हैं, रीजा हेंड्रिक्स ने भी रन मारे हैं, डाविड मलान ने भी रन मारे हैं। हालांकि हेंड्रिक्स ये मुकाबला खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे इस पे मुझे डाउट है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं ना वो वापस जा चुके हैं। फिनिश करते हुए इफ्तिखार अहमद एक बहुत ही कमाल के प्लेयर रहे हैं इस टीम के लिए, फिर एक बार वो फिनिशर का रोल प्ले करेंगे। गेंदबाजी में क्रिस जॉर्डन है, डेविड विली है, मोहम्मद अली है, उसामा मीर है, धानी खेल लेते हैं कभी-कभी मुकाबले। तो बॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बैटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, मुल्तान ने कमाल खेला है और इन आखिरी 2 मुकाबलों के अंदर भी ये लोग अच्छा करना चाहेंगे। अब ये टीम क्वालिफाई कर चुकी है तो प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव हो सकते हैं, तो इनकी प्लेइंग 11 के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल होगा। आप कमेंट करके बताओ कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतने लगेगी। मेरे हिसाब से तो इस्लामाबाद ये मुकाबला जीतेगी और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।